मुझको किसी गैर को सता Hi, I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun? So, मैंने और रिचा ने नुसरत फतेह अली खान सर का एक गाना किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया. एंड उसके बाद हमें लगातार ट्रस्ट मी गाइज, हमें लगातार उस मतलब नुसरत जी के गानों के लिए हमें रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, हमें बोला जा रहा है तुम कर क्यों नहीं रहे हो, करो 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 करो. तो आज हम कर रहे हैं. यस, बस हो गया. यस, सो वन मोर थिंग, मतलब हम इतने टाइम तक हमने इसलिए इतना बड़ा हॉल्ट रखा कि हम वेट कर रहे थे कि अगर रिचा का सब ठीक हो जाता है उसके घर पे तो मुझे ये हकाल देगी एंड रिचा को इधर बिठाएगी. समझ रहे हो ना? नहीं समझ जाओ. बैठाती नहीं, नहीं नहीं, ये लोग धक्के मार देते मुझे. तो अगर सब ठीक हो जाता तो रिचा भी हो जाती और हम सब साथ में ये गाना एंजॉय कर पाते, सिंस रिचा भी बहुत बड़ी फैन है नुसरत फतेह अली खान सर की. लेकिन सिचुएशंस अभी थोड़ी ऊपर नीचे हैं एंड हमने सोचा इतना हमने डीले कर दिया, इससे ज़्यादा डीले अच्छा नहीं रहेगा. वैसे भी उनके बहुत सारे गाने, तो जब रिचा आएगी हम न्यू सॉन्ग पर रिएक्ट करेंगे. सो आज हम जिस गाने पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है तुम्हें दिल लगी, ओरिजिनल सॉन्ग विच इज बाय नुसरत फतेह अली खान सर. ओहो, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने ये गाने का बॉलीवुड वर्जन सुना है जो राहत फतेह अली खान सर ने गाया था, इफ यू नो बॉलीवुड. हाँ, में हाँ, हाँ, पता ये गाना सुना होगा ना. ये गाना इनके इनके बेटे नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में गलती की थी. राहत सर के अंकल थे नुसरत फतेह अली खान सर. ओके. तो अच्छा, हाँ, वो वीडियो में काफी कमेंट्स भी आए हैं. सबने एक कमेंट किया, समझ गया, हमें समझ गया उनके बेटे नहीं थे, जो एक्चुअली बहुत मुझे बहुत गंदा फील हुआ कि मैंने वो बोला, मिस्टेक हो गई, मुझे लगा कि दोनों इतने लेजेंडरी सिंगर्स हैं. माफ कर दो गरीब. यस, तो आई एम रियली सॉरी. एंड हमें पता चल गया कि उनके बेटे नहीं थे एंड वो गाना बहुत अच्छा था और आज हम इस गाने पर रिएक्ट करने वाले जो बहुत अच्छा है. और ये गाना होगा लिरिक्स के साथ क्योंकि हमें ऑफिशियल इसका वीडियो नहीं मिला, हमें लिरिक्स मिले हैं तो हम ज्यादा खुश हैं क्योंकि अगर लिरिक्स आपके सामने हो तो आपको हर लाइन समझ आ जाती है मोस्टली. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. फील्स ग्रेट, कदम ओके. अभी विश कर रहे ना काश के सामने बैठे होते, सबको देख पाते. Yeah.
देखो मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो गया तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी जख्म पे जख्म खा के जी जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी अपने लहू के घूंट पी आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग पानी न समझिए आग है इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मजा आ गया यार भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की आहों में आकर तो देखो मोहब्बत तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो वफाओं की हम नहीं है वफा
सब कुछ है पासे वफा तुमसे वरना, ये सब कुछ है पासे वफा तुमसे वरना। सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को सता करते पुर न मना कर तो देखो, वो माने न माने ये मर्जी उनकी, मगर उनको पुर न मना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उनकी कवाली इतनी अच्छी इतनी शानदार, मतलब आई एम सॉरी गाइस, आप लोग को मेरी आवाज भी सुननी पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं रोक सकती खुद को, ऊपर से लिरिक्स सामने, मतलब मैं कैसे रोक सकती हूँ यार, मतलब आई वाज सो मच लाइक अत्याचार नहीं कर दूंगी मेरी ऑडियंस पे, ठीक है? तो ओके आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई देगी, मैं पिच लो कर दूंगी लेकिन थोड़ी सी तो दे सकती है, लेकिन गाइज आई एम श्योर आप भी खुद को नहीं रोक पाओगे यार, कोई नहीं रोक पाएगा यार, मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है यार ये कव्वालियों का, तो सीरियसली मतलब इनका सच्ची में कोई कंपटीशन ना था ना होगा ना, सॉरी ना था ना है और ना कभी होगा, मास्टरपीस है यार ये तो। अरे ये मतलब लेजेंड भी मुझे लग रहा है बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए, क्योंकि ही इज ग्रेट, ही इज ट्रूली ग्रेट, मतलब वो लाइंस इतनी अच्छी, मतलब उनके यार उनके लाइंस में ह्यूमर होता है द बेस्ट पार्ट, बीच-बीच में एक-एक आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं सच्ची में लास्ट टाइम हमने गाना किया था ना, उसमें भी बीच-बीच में ऐसे लाइंस, मतलब क्या मजा आता है यार, मतलब वो सरप्राइजेस होते कि अरे क्या गाना, मीठी छुरी वाला आता है यार, एंड इतने मतलब सब पंच लाइन फेंकते धीरे-धीरे प्यार से, पता भी नहीं चलेगा कब मार के गए ये, तो यार पंच लाइंस मारते हैं व्हिच इज सो गुड, मतलब आपको गाने में भी आई एम श्योर आप सबने भी गाना गाया, क्योंकि आपके सामने लिरिक्स है तो आप गाओगे, मतलब आपके मुंह पे आ जाएगा यार, इट इज इम्पॉसिबल किसी ने गाना नहीं गाया, क्योंकि इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, रिचा ने मिस कर दिया क्योंकि उसको पक्का ये बहुत बहुत फन लगता, कोई बात नहीं, आएगी तो हम और निश्चित जी के गाने ले लेंगे, नो वरीज, लेकिन यस आई मिस वन पार्ट, मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें लिरिक्स देखने मिलेंगे तो विच इज अ गुड थिंग, लेकिन एक ड्रॉबैक था कि आप उनके सुर के एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते हो, नहीं तो वो कितना ऊपर तक गए हैं, मतलब मतलब उनके एक्सप्रेशंस अलग लेवल के होते थे यार, वो अलग मजा भी होता था, बट ठीक है कोई बात नहीं, यस बट आई सो विश ये कव्वाली हम देख पाते, मतलब वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम उनका एक लाइव परफॉर्मेंस देखा था, इसका फुल सॉन्ग का लाइव परफॉर्मेंस मुझे मिला नहीं, वरना बहुत मजा आता, मतलब उनकी जब वो खुद वो लाइंस गाते इतना मजा आता, इतना मजा, और उनके वो हाथ ऊपर वाले एक्सप्रेशंस क्या, वो पूरा आ जाता है यार, मजा आ जाता है, वो फील्स आ जाते हैं कि आप कव्वाली सुन रहे हो, आप वो मतलब यू नो एक उस्ताद के सामने बैठे हो वाला, ऐसा हाँ उनको उस्ताद बोलते हैं वहाँ पे, अच्छा उस्ताद बहुत छोटा वर्ड है फिर भी उनके लिए, तो यार उनके लिए तो मैंने जैसे कहा लेजेंड भी बहुत छोटा वर्ड है, उस्ताद भी बहुत छोटा वर्ड है, मतलब ये भगवान है म्यूजिक के, आई थिंक
क्योंकि इन्होंने जो गाने बनाए हैं इनके जो लिरिक्स है इट इज सो गुड एंड यू वोंट बिलीव नॉट जस्ट हिम उनकी पूरी टीम जैसे राहत सर के पापा वो सब की वो क्या बोलते राग इतनी अमेजिंग राग लास्ट टाइम हमने जो देखा था मतलब ऐसे तो बाप रे सबके सब मतलब एवरी बॉडी इज सो गुड एट देयर वर्क इट इज सो गुड टू सी दिस कि इतने पुराने इतना एक जमान मतलब इन्होंने जैसे एक लाइन थी मुझे वो लाइन तो याद नहीं है लेकिन जमाने का जिक्र किया मैं भी बहुत सारी नहीं मैं भी ना बहुत सारी लाइंस कोशिश किया याद रखने की बट लेकिन नहीं रहती कितनी रख लूं एग्जैक्टली मुझे पांच लाइंस याद नहीं हां तो इनका कुछ ऐसा था सताकर तो देखो ये मेरे को याद है यार नहीं तुम मिस कर रही है रिचा को ओवरलैप करती है तो मैं ये बोल रही हूं उनकी एक लाइन थी कुछ तो कि जमाने में चलती समथिंग तो मुझे ट्रस्ट ही मुझे मन किया मैं वीडियो को रोको और आप लोग को बोलूं उनका जमाना मतलब उनके जमाने में उनकी चल गई ये तो कितने जमाने आगे चल रही है और ये चलती जाएगी क्योंकि ये रुकनी नहीं है भाई ये तो ये रुकेगी नहीं उनके लाइन आई विश वो यहाँ पे होते और देख पाते कि इतने टाइम बाद मतलब उनका जनरेशन चला गया आने वाले जनरेशन चले गए ये एक अलग जनरेशन है हमसे भी तो उन तक ये गाने कितने ज्यादा क्या बोलते हैं उसको प्रभावित है मैं बहुत हिंदी बोल रही हूँ आज उन मतलब उन पे भी उनकी लाइफ में भी ये गाने इतना इम्पैक्ट करते हैं आई एम सो हैप्पी मतलब राहत सर ने जो गाना बॉलीवुड में एक मूवी में गाया था मैंने दो अच्छे से वो गाना नहीं सुना है लेकिन ये गाना इतना अच्छा मतलब एक एक लाइंस उनकी इतनी अमेजिंग एक बहुत अच्छा फीलिंग था मतलब इतना मजा आ रहा था ना वो गाना गाते हुए इतना मजा आ रहा था इतना ज्यादा मजा आ रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ प्योर लिरिक्स Yes, and it was so good. मतलब उनकी राग एक-एक पेशन। And कोई भी लिरिक्स का ऐसा वेस्ट मीनिंग नहीं है कि ये बस हर किसी का एक अलग मीनिंग एंड एक अलग आउटपुट है। Yes, उनका आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है वो ज्यादा लाइंस पता है मतलब रिपीट भी नहीं करते नहीं करते जो सिर्फ कोरस होता है वो रिपीट होता है बाकी उनकी लाइन रिपीट ही नहीं होती है और वो पंच लाइन हर थोड़ी देर में आती है विच इज अ ग्रेट पार्ट कि आप वेट करते हो यार मैं स्टार्टिंग में ना एक दो पंच लाइन था कि हाँ ठीक है ये वाला याद है लास्ट में बोलूंगा अरे बट भाई आगे जाते जाते कांपे गए पता नहीं चला यार एक के बाद एक उससे ज्यादा अमेजिंग पंच लाइन आ जाते हैं तो आप मतलब भूल जाते हो यार कि अरे कौन सा लाइन था मुझे याद क्यों नहीं है आई थिंक आई लव मतलब आई विश पता है कि मैं रोज नुसरत सर के गानों पे रिएक्शन दे पाती मैं रोज कर सकती हूँ ट्रस्ट मी मैं रोज कर सकती हूँ क्योंकि इतना मजा आता है इतना ज्यादा मजा आता है लेकिन हमें भी दूसरे मतलब सब कंटेंट्स को साथ में लेके चलना है तो हम सिर्फ एक को एक पे नहीं कर सकते उनके गाने खत्म हो जाएंगे फर्स्टली ज्यादा बड़ा कर सकते हुए इतने गाने के रह गए Yes, हाँ, उन्होंने इतने गाने ऐसा हर दिन जब रिचा आएगी तभी सरप्राइज फेंकेंगे रिचा देख लेना रिचा बहुत मिस कर रही होगी आई एम सो श्योर जब रिचा वीडियो देखेगी रिचा इज लाइक वो मतलब पागल हो जाएगी अभी देख के आई एम सो हैप्पी मैं उसको अभी कॉल करके बोलूंगी कि तूने मिस कर दिया नुसरत सर का ये गाना इट इज सो गुड बट रिचा मैंने तुम्हें ज्यादा मिस नहीं किया है No one cares, truly no one देख cares. रहे हो ना बस ये जब तक ही मेरी इज्जत करे जब तक रिचा नहीं है आते तो तू कौन मैं कौन चल 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 के दिखा सब जानते हैं मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ बहुत अच्छी ठीक है बहुत अच्छी हूँ मैं ठीक है हम रिचा के आने के बाद भी इसको हमारे बगल में ही रखेंगे हमारे पास ऐसा ठीक है हाँ ठीक है चल तेरे को गरीब को भी जगह दे देंगे वैसे दे देंगे तो ठीक है यार देख रहे हो ना आप लोग बस चुगली लगाने आते हैं हर वीडियो में मतलब किसको कंप्लेन कर रहा है आधी टीम मेरे साथ है ना और आधी बच्ची कुची रिचा के साथ है भाई मैं तो हुई कौन वैसे एक दो कमेंट्स आया अलिश्बा का कमेंट आया तेरे लिए एक दो बस सब वीडियो मिला के एक दो बस इट्स ओके हमें भी स्टार्टिंग में बेस धीरे धीरे बनता है और ये थोड़ा नर्वस भी रहता है तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ ये थोड़ा ज्यादा नर्वस रहता है मतलब एक उसको होता है ना मतलब आप पे एक प्रेशर डाल दिया है कि अचानक से हम इसको हर वीडियो में इसको बोलूं अरे वीडियो 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 तो इसके लिए काफी प्रेशर कि तुम दोनों का एक ट्यूनिंग बैठा हुआ है सब चीज हुआ हुआ है तो गाइस लेट्स मोटिवेट श्लो कि ये चार दिन का चांदनी हूं मैं बस रिचा आ रही है वापस बता रहा हूं मैं वापस मैं नहीं दिखना ऐसा कुछ नहीं है गाइस प्लीज ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है ठीक है एनीवेज कट 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 हां सो गाइस वी लव दिस सॉन्ग एंड आई एम वाला मजा आ गया यार वी लव दिस सॉन्ग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू विटनेस इनके और भी गाने मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं कंट्रोल नेक्स्ट गाना कौन सा करेंगे नहीं पूछ लेते यार पूछ ही लेते कौन सा आप लोग बताओ नेक्स्ट जिसके इस
के कमेंट्स में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस होंगे नुसरत सर का। स्पैम कर दो यार, अब तो मांगता है नहीं, बट एक इंसान का एक ही हम काउंट करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे हम काउंट नहीं करेंगे, एक आईडी से हम एक ही वोट काउंट करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा आएगा, जिस गाने का सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन होगा, हम नेक्स्ट उस पे करने वाले फॉर श्योर। तो दिस इज अप टू यू गाइस, आपको कौन सा नेक्स्ट देखना है, हमें भी एक्साइटमेंट है यार, तो हमें सबसे बेस्ट दिखाओ, मतलब उनके जितने देखेंगे हमें बेस्ट 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 लगते जाएंगे, तो डजंट मैटर। Yes. Anyways, बहुत ट्रस्ट मेरा, मेरे गले में मुझे ऐसे खराश होने लगे, बिकॉज मैंने पूरा गाना गाया, उससे पहले इतना बोला, उसके बाद इतना बोला, तो मैं चाहता हूँ दीपिका वो राग भी गा के बताए, हो जाए, अरे हो जाए, दीपिका गाना तक नहीं गा सकती, अगले सॉन्ग में पक्का गा के बताएगी, सुनना है ना आपको, अरे बच्चे को हाँ बोल रही हूँ, ठीक आपको सुनना है ना, ठीक है ठीक है, बच्चे को हाँ बोल गया, ये खुश हो गया, ठीक है, तो बारी में आप लोगों को नहीं टॉर्चर करने वाली, अरे बहुत अच्छा गाती है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा गाती है, मुझे इतना थोड़ा बहुत सुन लिया, वो भी आप लोग म्यूट कर दोगे नहीं नहीं ऐसे अगर, पीछे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको चाहिए तो पब्लिक को चाहिए, अपनी फैमिली को चाहिए यार, तो क्यों नहीं गाके बताएगी, जो भी यहाँ तक रहा, आज हमने लास्ट टाइम भी कहा था 30 minutes आप रुके हो हमारे साथ, विच इज अ ग्रेट थिंग, थैंक यू सो मच, वी लव यू, वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल द लव, एंड कीप सपोर्टिंग अस, ओके, वी नीड यू, यस, बाय बाय।